कि जमीनी स्तर पर विकास को गति प्रदान करने में पंचायती राज संस्थाओं का विशेष योगदान रहा है। स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में ग्रामीण भारत को पंचायतों द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जा रहा है। इस कार्य में सफलता वर्तमान समय में आधुनिक प्रौद्योगिकी के अधिकतम प्रयोग से मिल सकती है। इस दिशा में मैं आप माननीय प्रधानमंत्री जी को ई ग्राम स्वराज पोर्टल नामक एक को उस उद्घाटन के लिए आमंत्रित करता हूं। यह पोर्टल नियोजन, अनुसरण, वित्त प्रबंधन, ऑडिट की सुविधा हम सब लोग को उपलब्ध कराएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रार्थना करूंगा कि बटन दबाकर इस पोर्टल का शुभारंभ करें। डिजिटल भारत के निर्माण हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे डिजिटल भुगतान का विस्तार, पोस्टल पेमेंट बैंक, सामान्य सेवा केंद्रों का विस्तार। इसी श्रृंखला में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मंत्रालय की यह कड़ी पंचायतों के परिवर्तन हेतु है। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन पंचायतों के संचालन के लिए उपयोगी एकीकृत टूल है, जिससे पंचायतों में किए गए कार्यों की प्रभावी निगरानी सरलता से की जा सके। इस एप्लीकेशन से न केवल पंचायतों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग में सुधार होगा, बल्कि योजना की व्यापकता बढ़ेगी। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन से किसी भी ग्राम पंचायत की पूरी जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाएगी, जैसे सरपंच, पंचों और पंचायत सचिव का विवरण, वित्त विवरण, परिसंपत्ति का विवरण, ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP में की गई गतिविधियाँ, जनगणना 2011, मिशन अंत्योदय, सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन वर्क बेस्ड अकाउंटिंग पर केंद्रित है। इसके द्वारा GPDP में प्रस्तावित प्रत्येक गतिविधियों में किए गए हर व्यय का विवरण उपलब्ध है। योजनाओं के विश्लेषण के लिए ब्लॉक और जिला स्तर के प्रतिनिधियों के पास उत्कृष्ट जानकारी सुलभ होगी। ई ग्राम स्वराज में डेटा एंट्री की संख्या को तर्क संगत बनाया गया है। इसमें उपयोगकर्ता के लिए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और सरल नेविगेशन भी है। ई ग्राम स्वराज पंचायतों में की गई नियमित डेटा एंट्री के आधार पर गतिविधियों की वास्तविक समय पर निगरानी और कार्यान्वयन की स्थिति को दर्शाता है। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन के PFMS के साथ जुड़े होने के कारण सार्वजनिक व्यय की निगरानी भी वास्तविक समय के आधार पर की जा सकती है। पंचायत की जानकारी को सुविधाजनक और शीघ्र उपलब्ध करने के लिए उपयोगकर्ता नागरिक गूगल प्ले स्टोर से ई ग्राम स्वराज मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यह जानकारी आपकी उंगलियों पर होगी। मोबाइल ऐप के माध्यम से चयनित पंचायत के सदस्यों की जानकारी, पंचायत की गतिविधियाँ, गतिविधि का नाम, योजना का नाम और राशि, चुने गए वित्तीय वर्ष के लिए आमदनी और खर्च संबंधी जानकारी मिल जाएगी। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकलापों, गतिविधियों, योजना निर्माण, बजट आवंटन, योजनाओं की निगरानी इत्यादि की जा सकती है। सूचना तकनीक का प्रभावी उपयोग करना ही इस प्रणाली का उद्देश्य है। सशक्त पंचायतों से ही होगा सशक्त भारत का निर्माण। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन देश की पंचायतों को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन शुरू किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। राज्य सरकारों तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय ने ड्रोन आधारित नवीनतम सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए स्वामित्व नामक नई केंद्रीय योजना की शुरुआत की है। आज हम सबका सौभाग्य है कि इसका शुभारंभ करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि बटन दबाकर स्वामित्व नामक योजना का शुभारंभ करें। भारत की आत्मा गांव में बसती है, जहां 60% आबादी निवास करती है, लेकिन अधिकांश ग्रामीणों के पास अपनी आवासीय संपत्ति के कागजात नहीं है। अंग्रेजों के समय से देश के ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि का बंदोबस्त होता रहा है, लेकिन अधिकांश राज्यों में गांव की आबादी क्षेत्रों का सर्वे और मापन संपत्ति के सत्यापन के दृष्टिकोण से नहीं हुआ है। फलस्वरूप अधिकांश ग्रामीण घरों के संपत्ति के कागजात मौजूद नहीं है। मालिकाना हक की गांव की इस जरूरत को पूरा करेगी
भारत सरकार की स्वामित्व योजना। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय भूमि की पैमाइश ड्रोन तकनीक के द्वारा की जाएगी, जो सर्वेक्षण और मापन की नवीनतम तकनीक है। इस देशव्यापी पैमाइश में भारत का पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों के पंचायती राज तथा राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग शामिल होंगे। ड्रोन से गांव की सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक संपत्ति का डिजिटल रूप से नक्शा बनाया जाएगा, साथ ही प्रत्येक राजस्व खंड की सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। सटीक मापन के आधार पर गांव की प्रत्येक घर का संपत्ति कार्ड राज्य सरकारों के द्वारा बनाया जाएगा। इस तरह से यह क्रांतिकारी कदम संपत्ति के मालिक को सुगमता से मालिकाना हक प्राप्त करवाएगा। इस मालिकाना हक से गांवों के निवासी अपनी संपत्ति का वित्तीय उपयोग जैसे कि ऋण लेने में सक्षम होंगे और गांवों के आवासीय क्षेत्र का रिकॉर्ड पंचायतों को प्रदान कर सकेंगे। इससे संपत्तियों का कर के दायरे में आना और पंचायतों द्वारा आसानी से कर संग्रह संभव हो पाएगा। इस आमदनी से पंचायतें ग्रामीण नागरिकों को बेहतर सुविधा दे पाएंगी। संपत्ति के स्पष्ट आकलन एवं स्वामित्व का निर्धारण होने से उनके मूल्य में हित वृद्धि होगी। ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के उपयोग से ग्राम पंचायत के पास गाँव का सटीक रिकॉर्ड और मानचित्र होगा, जिसका उपयोग कर वसूली में, भवन निर्माण हेतु परमिट जारी करने में, अवैध कब्जा समाप्त करने आदि के लिए किया जा सकता है। हमारा देश बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्नत तकनीक का भरपूर उपयोग करते हुए विकास के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहा है। सशक्त पंचायतों से ही सशक्त भारत का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने ये ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व नामक दोनों परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मैं मंत्रालय की ओर से और पंचायती राज संस्थाओं की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। कोरोना वायरस के संकट के इस दौर में आज आप सभी से बात करने वाले हैं और पंचायत प्रतिनिधियों से आपका वार्तालाप शुरू हो, उससे पूर्व मैं प्रार्थना करूंगा कि आप प्रारंभिक उद्बोधन हम सबको दें, जिसके मार्गदर्शन के प्रकाश में आगे का वार्तालाप प्रारंभ हो सके। माननीय प्रधानमंत्री।